कुलंबै साप निर्दग्धं नक्षन्त्यन्योन्य विग्रहात् समुद्र सप्तमह्येतां पुरीं च प्लावयिष्यति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के साप से भस्म हो चुका है, पारंपरिक फूट और युद्ध में से स्पष्ट हो जाएगा। आज के सातवें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। मेरे द्वारा मृत्यु लोक छोड़ देने पर इसके सब मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। प्यारे उद्धव, मेरे चले जाने पर तुम यहाँ मत रहना, क्योंकि कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में रहेगी। अब तुम मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यवेश मनः सम्यक् समुद्रग विचरस्वगाम। जिसने सुतियों का साक्षात्कार कर लिया है उसकी वृत्तियां शांत रहती हैं। तुम प्रतीयमान संपूर्ण विश्व को मेरा ही स्वरूप समझो, इससे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। उद्धव ने कहा, भगवान मेरी मति इतनी मूढ़ हो रही है कि मैं और मेरा इस भाव से मैं आपकी माया के खेल, देह और देह के संबंधी, स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूँ। तत्व ज्ञान देकर मेरा उद्धार करें, मैं सुगमतापूर्वक उसका साधन कर सकूँ। सोहम ममाहमिति मूढ़मतिर्बिगाढ्यस् त्वन्माय मा विरचितात्मनिशानुबन्धे तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन्ननुसाधिभृत्यम्। भगवान ने कहा, उद्धव समस्त प्राणियों का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्ण समर्थ है। वह मुझ आत्म तत्व का साक्षात कर लेता है। इस विषय में महात्मा लोग अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में एक इतिहास कहते हैं। एक बार राजा यदु ने विचरण करते हुए त्रिकालदर्शी ब्राह्मण दत्तात्रेय से यह प्रश्न किया, ब्राह्मण आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? आप पुत्र स्त्री धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं, आप केवल अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। आप कृपा करके हमें अवश्य बतलाइए कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? त्वं हि नः प्रक्षतां ब्रह्मन् नात्मन्यानन्द कारणं ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवलात्मनः। भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण कर मैं पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण कर रहा हूँ। मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौंरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला बेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की क्षमा की शिक्षा ली है। पृथ्वी के ही विकार, पर्वत और वृक्ष से मैंने
परोपकार की शिक्षा ली है। प्राण वायु से मैंने यह शिक्षा ली है कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन करें। बाह्य वायु से मैंने अनासक्ति सीखा है। आत्मा की आकाश रूपता की शिक्षा मैंने आकाश से ली है। अपने दर्शन एवं स्पर्श से लोगों को पवित्र करना मैंने जल से सीखा है। अग्नि से मैंने यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होता है और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी किसी भी वस्तु के दोषों से वह लिप्त नहीं होता, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी भोजन मात्र का संग्रही सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी किसी का दोष अपने में आने नहीं देता। चंद्रमा से मैंने यह सीखा कि काल के प्रभाव से उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तब भी वह ना घटता है ना बढ़ता है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। विसर्गाद्या श्मशानांता भावा देहस्य नात्मना कला नामेव चंद्रस्य काले ना व्यक्त वर्तमना। सूर्य से मैंने सीखा कि जैसे वे किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही साधक इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों को ग्रहण करता है और समय आने पर उसका त्याग। किसी भी विषय में उनकी आसक्ति नहीं होती। जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, जबकि वह एक ही है। उसी प्रकार प्रत्येक जीवों में आत्मा प्रविष्ट होकर अलग अलग दिखाई देते हुए भी एक ही है। कबूतर से मैंने सीखा कि किसी के साथ आसक्ति से स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। किसी जंगल के एक वृक्ष के घोंसले में कबूतर अपनी कबूतरी के साथ रहता था। दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। कबूतरी ने अंडे दिए। समय आने पर अंडे फूट गए, कोमल कोमल बच्चे निकल आए। कबूतर और कबूतरी अब अपने बच्चों से स्नेह करने लगे। दोनों जंगल में जाते, चारा चुककर खाते और लौटते समय बच्चों के लिए चारा लेते आते। एक दिन वे चारा चुगने जंगल गए थे, उसी समय घोंसले के पास एक बहेलिया आ गया। कबूतर के बच्चों को फुदकते देखकर बहेली ने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी चारा लेकर वापस आए। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे जाल में फंसकर फड़फड़ा रहे हैं। बच्चों को रोते विलखते देखकर कबूतरी वहां दौड़कर आई और स्वयं जाल में फंस गई। कबूतरी और बच्चों के मोह में पड़कर कबूतर भी वहां गया और वह भी जाल में फंस गया। बहेलिया प्रसन्न हो उन सबको लेकर चला गया। मनुष्य शरीर को पाकर जो कबूतर की तरह घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, वह ऊंचे चढ़कर भी गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़ च्युत है। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारमपावृतम गृहेषु खगवतमसक्तस् तमारूढ़च्युतम विदुः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, राजन बिना मांगे बिना इच्छा किए ही अनायास जो मिल जाए वह चाहे रूखा सूखा हो चाहे मधुर अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे खाकर जीवन निर्वाह कर ले, उदासीन रहे। यही मैंने अजगर से सीखा है। समुद्र से मैंने सीखा कि साधक को सदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से समुद्र कभी क्षोभ को प्राप्त नहीं होता, वह सदा शांत और गंभीर रहता है,
पतंगे से मैंने सीखा कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूदकर जल मरता है, वैसे ही अजितेंद्री पुरुष स्त्री के रूप में मोहित होकर नष्ट हो जाता है। अतः साधक इनसे अनासक्त रहता है। मधुमक्खी से मैंने यह सीखा है कि साधक के पास भिक्षा लेने के लिए हाथ ही पात्र हों, और रखने के लिए यदि बर्तन हो तो पेट, वह संग्रह ना करे, अन्यथा मधुमक्खियों की तरह उसका जीवन दुभर हो जाएगा। यह अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह ना करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों की तरह अपने संग्रह के साथ जीवन भी नष्ट कर लेगा। हाथी से मैंने यह सीखा है कि साधक काठ से बनी हुई स्त्री को भी कभी स्पर्श न करे। यदि वह भोग रूप से स्त्री को स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। हाथी पकड़ने वाले तिनकों से ढके हुए गड्ढे पर कागज की हथनी खड़ी कर देते हैं। उसे देखकर हाथी वहां आता है और गड्ढे में गिरकर असहाय हो जाता है। हाथी पकड़ने वाले उसे सरलता से पकड़ लेते हैं। भ्रमर से मैंने सीखा कि साधक अपने जीवन निर्वाह के लिए रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। एक ही कमल के गंध में आसक्त भ्रमर रात्रि में उसमें बंद हो जाने से नष्ट हो जाता है। वैसे ही स्वाद वासना से एक ही गृहस्थ का अन्न खाने से उसके सांसारिक मोह में फंसकर साधक भी नष्ट हो जाता है। भ्रमर एक ही पुष्प में ना फंसकर विभिन्न पुष्पों से सार संग्रह करता है, वैसे ही साधक विभिन्न शास्त्रों से उनका सार निचोड़ ले। मधु निकालने वाले से मैंने यह सीखा कि लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय करते हैं किंतु उसका उचित उपयोग नहीं करते। उनका धन कोई दूसरा ही ले जाता है, जैसे मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही उठा ले जाता है। वैसे ही गृहस्थों के संचित पदार्थों को सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि को भोजन करा स्वयं भोजन करते हैं। हरण से मैंने सीखा कि साधक को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। हरिण जब व्याध के गीत से मोहित होकर एकाग्रचित उसके गीत को सुनने लगता है तब वह उसे अपने बाण का निशाना बना लेता है। मछली से मैंने सीखा कि जैसे कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से वह अपने प्राण गंवा देते हैं, वैसे ही स्वाद का लोभी साधक मारा जाता है। पिंगला बेस्या से मैंने सीखा कि आशा बहुत बुरी चीज है। मिथिला नगरी की पिंगला नामक बेस्या एक दिन अपने द्वार पर खड़ी होकर किसी धनी व्यक्ति की राह देखती रही। आधी रात तक उसके पास कोई नहीं आया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ। उसने एक गीत गाया, हाय मेरा यह शरीर बिक गया, लंपट लोभी निंदनीय और अनित्य मनुष्यों ने इसे खरीद लिया। मैं इन पापी लोगों से रति सुख चाहती हूँ, मुझे धिक्कार है। मेरे सच्चे स्वामी मेरे हृदय में विराजमान हैं, वे नित्य हैं, मैंने उनको छोड़ दिया और उन तुच्छ लोगों का आश्रय लिया जो दुख भय व्याधि तथा शोक और मोह देते हैं। संतम समीपे रमणम रतिप्रदम
नित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दोखभयादिशोक मोहप्रदं तो क्षमहं दजिज्ञा। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूँगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूँगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष को न देखकर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूँगी। संतुष्टा श्रद्ध धत्ते तद यथा लामे न जीवती विहरा विहराम्यामु नैवाह मात्मना रमणे न वै। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपनी सेज पर सो रही आशा ही सबसे, उसने कहा कि आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला ने जब कामी पुरुषों का आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संक्षिद्य कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला परिग्रहो ही दुखाय यद यत प्रियतमम नृणाम अनंतम सुखम आपनोति तद विद्वान यस्त्व किंचन। भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन मनुष्यों को प्रिय वस्तुएं इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। अकिंचन भाव से रहने वाला ही अनंत सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है। इस शिक्षा को मैंने कुरर पक्षी से सीखा। एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था। दूसरे बलवान पक्षी उस टुकड़े को प्राप्त करने के लिए उसे चोंच से मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख मिला। बालक से मैंने यह सीखा कि अपने साथ ही क्रीड़ा करना, अपनी आत्मा में ही रमण करना, मान या अपमान का ध्यान ना करना। इस संसार में दो ही प्रकार के जीव निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं, एक तो भोला भाला छोटा सा बालक और दूसरा गुणातीत पुरुष। द्वावेव चिंतया मुक्तौ परमानंद आप्लुतौ यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्य परम गतः। किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, अतः उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियाँ जोर जोर से बज रही थीं। इस शब्द को दरिद्रता का द्योतक समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ डाली। दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियाँ रहने दी, किंतु धान कूटते समय वे दो चूड़ियाँ भी बजने लगीं। उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। अब दोनों कलाइयों में एक एक चूड़ी रहने से आवाज़ नहीं हुई। उस कुमारी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है और दो आदमी भी रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है, अतः अकेले ही विचरना चाहिए। वासे बहूनां कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरित तस्मात् कुमार्या एव कंकड़ः। मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और उसे भगवान में लगा दे। एक बाण बनाने वाला बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला। सांप से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि साधक को घर नहीं बनाना चाहिए। सांप दूसरों के द्वारा बनाए घर में घुसकर अपना समय काट लेता है।
वह अपना घर कभी नहीं बनाता। उसी प्रकार साधक को अकेले ही विचरण करना चाहिए, वह एक स्थान पर ना रहे, किसी से सहायता ना ले, इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने का झंझट ना करे। घर बनाना दुख की जड़ है। सांप दूसरे के बनाए हुए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय बिता लेता है। गृहारंभोति दुखाय विफलश्चा ध्रुवात्मनः सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते। मकड़ी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसी में जीव से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। यथोर्ण नाभि हृदया धूर्णाम संतत्य वक्तृतः तया विहृत्य भूयस्ताम सत्येवं महेश्वर। मैंने भृंगी कीड़े से सीखा कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से या भय से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर को तद्रूप हो जाता है। वैसे ही साधक को चाहिए कि वह संसार को छोड़कर अपना मन भगवान में लगा दे। इन 24 गुरुओं के अतिरिक्त मैंने शरीर से भी कुछ सीखा है। शरीर विवेक और वैराग्य से शिक्षा देता है। मरना जीना इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ, एक दिन इसे सियार और कुत्ते खा जाएंगे, अतः मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव इस शरीर का प्रिय करने के लिए अनेकों कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री पुत्र धन भवन और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनका पालन पोषण करता है। आयु पूरी होने पर यह शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जायात्मार्थ पशु भ्रत्य ग्रहात् वर्गान पुष्णात यत् प्रिय चिकीर सुतया वितन्वन स्वान्ते सकृच्छ मवरुद्ध धनः सदेह सस्वास बीज भवसी दति वृक्ष धर्मा। यद्यपि यह मनुष्य शरीर अनित्य है और मृत्यु इसके पीछे लगी रहती है, किंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। अतः दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्रतिशीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस प्रकार अकेले गुरु से यथेष्ट बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, भगवान दत्तात्रेय जी ने इस प्रकार महाराज यदु को उपदेश दिया और इच्छानुसार पधार गए। हमारे पूर्वज महाराज यदु इस उपदेश को ग्रहण कर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए। अवधूत वच श्रुत्वा पूर्वे सामनः स पूर्वज सर्वसंग विनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः। इस प्रकार तुम भी संपूर्ण आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।